दुनिया में फैला हुआ है इंसानों से, इंसानों के ताल्लुक से। हम देखते हैं जहांगीर जी कि जब आप किसी मस्जिद में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, वहां पर अगर पान थोड़ी लगी है, वहां पर अगर पानी का इंतजाम भी है, तो वहां पर जो गिलास रखे होते हैं वो किसी जंजीर में बंधे होते हैं। इतना अविश्वास हमारे अंदर फैल गया है। क्या बात है कि मंदिर और मस्जिद में भी गिलासों को आप जंजीर से बांध रहे हैं, यानी कितने अविश्वासनीय दौर में हम लोग जी रहे हैं कि जहां पर अखलाक की तालीम दी जाती है, जहां पर मॉरल वैल्यू सिखाए जाते हैं, ऐसी दरसगाहों में भी गिलास को अगर आप जंजीर से बांध कर लटकाते हैं, तो इससे अंदाजा लगाएं कि कितने अविश्वास हम एक दूसरे के करीब हो गए हैं। बहुत सारी बातें सर ने यहाँ पर फिक्र ने पेश की है, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सर ने बहुत अच्छा मकाला यहाँ पर पेश किया है। मैं पूरे खुदानी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सर आपने जो बात कही है कि सूफिया ने जो काम किया है, मुझे याद आता है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये सूफिया एग्जाम की तारीफ है दोस्तों, जब उनके वस्तानी कैसे तारीफ होती है, तो वो फिर अपने महबूब का जब दीदार करते हैं तो वो आंखों को बंद करके दीदार करते हैं। हालांकि दीदार का जो ताल्लुक है, अगर आप साइंस में देखें तो दीदार करने के लिए आंखों का खुला रहना शर्त है, लेकिन ये सूफिया की तारीफ उल्टी है, इनका हर अमल उल्टा होता है। ये दीदार करने के लिए, किसी को देखने के लिए, अपने महबूब का, अपने प्रेमी को देखने के लिए आंखों को बंद करते हैं। ये एक अजीब बात आपके सामने यहाँ पर आइए। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर शेख एजाज साहब, जो कि चिश्तिया कॉलेज खुलदाबाद के शोबे तारीख के हेड है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सूफिया उजाम रहमतुल्लाह महाराष्ट्र की हयात और तालीमात पर अपना मकाला यहाँ पर पेश करें। डॉक्टर शेख एजाज साहब, उनसे बहुत अदब एहतराम के साथ मुलतवी हूँ। हाँ, ये जो बच्चे अगर चले गए हैं जो, तो पीछे की रॉ में जो बैठे हैं उन हजरात से मेरी गुजारिश है। मेरे बड़ी मोहतरम हमारे बेइंतहा मोहतरम जैन मियां साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मेरा बड़ा रूहानी ताल्लुक है उनसे, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो उनका बहुत वारहाना इस्तकबाल करता हूँ। और गुजारिश करता हूँ कि जो हजरात पीछे की सफों में तशरीफ रखते हैं वो आगे की गाइड आ जाए। दोस्तों, एक बहुत ही बिजी पर्सनैलिटी हमारे बीच इस वक्त मौजूद है, और ये हमारे डॉक्टर कागज साहब की मोहब्बत है, उनकी अकीदत है, उनकी शरदा है इन वलियों से, इन संतों से, कि अपने पूरे बिजनेस शुरू से इतना ढेर सारा वक्त वो निकाल कर हमारे बीच में बैठे हुए। हालांकि एक गवर्नमेंट का एक क्लासरूम ऑफिसर, उसके पीछे कितनी जिम्मेदारियां है, लॉ एंड ऑर्डर का उसके पीछे मामला है, बहुत सारे आवाम के उनके सामने मसाइल है। लेकिन आप याद रखें कि आज सूफिया की मोहब्बत में, संतों की मोहब्बत में आदरणीय दांगर जी यहाँ पर बैठे हैं, तो हमारी अखलाक की जिम्मेदारी है कि उनके साथ हम भी कांधे से कांधा मिलाकर आज के सेमिनार को कामयाब बनाए। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर शेख एजाज साहब से कि वो यहाँ पर आए, सूफिया उजाम महाराष्ट्र की हयात और तालीमात पर अपना मकाला पेश करें। और सब दानिश्वर डाइस महाराष्ट्र में सूफियों की आमद आगमन और उनकी शिक्षा कदीम जमाने से हिंदुस्तान और अरब देशों का तजारती संबंध रहा है। छठी शताब्दी से पहले दक्कन के समुद्री किनारों पर मलाबार, नारासोपारा, चोल आदि स्थानों पर अरबों की बस्तियां बस चुकी थी। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अरबों ने नई चेतना उमंग लाई, उन्होंने मध्य और पश्चिम एशिया में अपना मकान बना लिया। अब अरब से आने वाले जहाजे हिंद महासागर में बिना रोक टोक आने जाने लगे। इसके नतीजे में मलबार, कोकण, लाहौर, थाने आदि स्थानों पर अपनी बस्तियां उन्होंने बसा ली, अपनी नीति से लोगों का दिल जीत लिया। नबी आखिरुज्जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों में दीन इस्लाम के पैगाम को आम करने का जज्बा पैदा किया। वो घरदार छोड़कर इस्लाम के लिए निकल पड़े। कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी दखन में आए थे, जिनका नाम हजरत सलीम अंसारी है। उनकी मदार मदरा के करीब
खरी है। इतिहासकार टी एन देवरे कहते हैं, भारत की पश्चिम सीमा अरबों के ज्ञानी कुलेमा सूफी पोखरा के लिए खुली थी। वो सूरत भरोच काबुल ठाणे आदि बंदोबस्त चाहते गए। मुस्लिम तारीख फरिश्ता कहता है, अरबों की एक जमात श्रीलंका में हजरत अरबन इस्लाम के खतने मुबारक की ज्यादा के लिए आई थी। इस जमात के अमीर रऊफ बिन मलिक थे। इनके चरित्र और कार्यों से प्रभावित होकर मलबार के राजा ने इस्लाम कबूल किया था। दक्कन में खुतर नाम की जमात है, वो सूफी शहीद शाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। इनकी मदार शरीफ त्रिचना कबीर है। इसी तरह मद्रास के करीब पेनुकुंडा की दुदुकुला एक जमात है, इन्होंने सूफी शाह बाबा फखरुद्दीन के हाथ पर इस्लाम की बैठ ली थी। इन दोनों उदाहरणों से यह साबित होता है कि दक्कन में मुस्लिम हुकूमत से कई साल पहले इस्लाम में दिल से दिल जोड़ने के लिए पुकार सूफी दक्कन में फैल चुके थे। सूफी सैयद नूरुद्दीन ये तो नबी सदी में जाना तालुक में डोंगा में आकर इस्लाम की दावत देने का काम शुरू किया। ये मिस्र के रहने वाले थे। सूफी हजरत मोमिन आलिमुल्ला सोहर नदी सिलसिले के सूफी हजरत मोमिन आलिमुल्ला की आमद सन 1200 में हुई। उस समय देवगिरी सल्तनत पर यादव खान का खानदान का राजा था और ये खान और ये दक्कन की रियासत में सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत थी। सूफी ने देवगिरी जिले में करीब अपने खान का कायम की और ये इस्लाम की दावत देना शुरू किया। सूफी ने मकामी जबान मजहब तहजीब रिवायतें इनको समझा और उनसे अच्छा बर्ताव किया। फिर उन्हें अल्लाह की इबादत की ओर बुलाया। लोग उनके पास जमा होते गए, उनके काम में कोई रुकावट नहीं डाली। सूफी के नाम से यादव राजा ने देवगिरी में मोमिनपुरा नाम का एक कस्बा बताया है। देवजी के करीब सूर्यबंदर इलाके में सूफी हजरत शाह जलालुद्दीन गंजेरावा की आमद सन 1250 में हुई। पहले तो कला के करीब अपने खानका कायम की। इस इलाके में इस्लाम का चलान रोशन किया। सोरवर्दी सिलसिले के दूसरे सूफी है जिन्होंने यादव राजा के जमाने में दीन मोहम्मद को आम लोगों तक पहुँचाया। इसके तकरीबन 50 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1254 में देवगिरी पर अचानक हमला किया। आखिर यादव सल्तनत का खात्मा हुआ। चंद सालों में दक्कन की रियासतें होलसल पांडे चोल काकती आदि को समाप्त किया। सारा दक्कन दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। सिस्टी सिस्टी की दक्कन में आमद हजरत निजामुद्दीन औलिया कबीर रहमतुल्लाह ने अपने मजलिस में दक्कन में इस्लाम के फैलाव का फैसला लिया। 700 सूफियों की एक पार्टी सन 1300 में मौलाना मुंतजिम जर्रे इजरबख्श को इस जमात का सरदार बनाकर दक्कन की ओर रवाना किया और आज जहां सूफी के खानकाह वहां पड़ाव डाला। कदीम जमाने में एलोरा में बौद्ध हिंदू और जैन मजहब का केंद्र रहा है और आज भी है। इस केंद्र के ऊपर कोई शाम पहाड़ के दामन में गाय के ऊपर शेख ने अपनी खानकाह बनाई। यहीं से अपने साथियों को दक्कन में दावत हक का पैगाम पहुंचाने के लिए जैसा पैठर में मौलाना मौजूदी कुंडली में सैयद सदोदी गुलबरगा में मौलाना मसूद इसी तरह बरदाने में कुरान हक पुना में सलीम चिश्ती खानदेश और बिदर के कई इलाकों में अपने शिष्यों को अपने मुरीदों को रवाना किया है। उन्होंने खानकाह की स्थापना कर और इस्लाम को रोशन किया। सूफी शेख फखरुद्दीन गरीब असदुल्लाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान मशायख निजामुद्दीन औलिया ने शेख मुंतजिम दरबख्श गुला के इंतकाल के बाद फौरी 1309 में उनके बड़े भाई अपने खास खलीफा खास शिष्य ब्रह्मदीन को 1400 सूफियों की पालकी के साथ देकर रौजा दक्कन भेजा। दीन के काम में कोई रुकावट नहीं रहेगी। सूफी ने अपने भाई के काम को आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र में कोने कोने में तीन भाई और मुरीदों को शिष्यों को और अपने साथियों को रवाना किया और रौजा कुंडारा दक्कन में तत्वों का केंद्र बन चुका था। शेख ने अपनी हयाती में खानका में जिन्हें दीन सीखने और सिखाने का काम करते रहे। यहीं से दक्कन में दावत ने सूफी मत का संचालन किया। शेख ने अपने भाई का उर्स भी मनाया। उर्स के मौके पर दक्कन के सूफी एक जगह आते और पशु उसमें आने वाली मुश्किल अपने दीन अपने गुरु से हल कराते। इस जगह को मोती चौक कहते हैं। ऐसे चार मोती चौक है।
देवी दलदाबाद को राजधानी का बना सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने सल्तनत को सदर मकाम दिल्ली के बदले दलदाबाद को चुना। शाही फरमान से दिल्ली के आम और खास को दलदाबाद स्थानांतर होने का फरमान जारी किया। इसी आसना में आलिम उलमा पंडित ज्ञानी सूफी तिजारती व्यापारी सूफी कोकड़ा आदि दलदाबाद आए। दलदाबाद शहर लाहौर ये शहर लाहौर शहर के मुकाबले का शहर हो गया। इसके बाद दखन में इस्लाम और तसव्वुफ तेजी से फैलता गया। इस्लामी शहर मुकामी तहजीब से यहाँ से एक नया समाज बना। जैसे सुवाल में नाथ में गंगा जमीन तहजीब कहते हैं, उसी तरह दखन में दखनी तहजीब कह सकते हैं। सूफियों के तालीम से दखन का इलाका रोशन हुआ। दखन में अब इस्लामी और तसव्वुफ से मरकज खुल्दाबाद बीजापुर गुलबर्गा दीगर हैदराबाद का नाम आ गया है। चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी में चिश्ती सिलसिले का अंगूज दखन में था। पंद्रहवीं शताब्दी में कादरी सिलसिले की आमद आगमन दखन में हुई। क्योंकि हजरत गौर गोलवे के मुरीद शिष्य खानखा खानखाए महाराष्ट्र में कई जगह देखे जा सकते हैं। जैसे किले हरूर में सूफी राज मोहम्मद सागर अलिया नगोर अंसारी आदि कादरी और सूफी और हिंदुस्तान किले हरूर के किले हरूर के किलेदार सूफी राज मोहम्मद हजरत गौर गोलवे से बड़े थे। इनके खलीफा सूफी शेख चांद बोलते इन्होंने अपनी खिलाफत अपनी शिक्षा शेख मोहम्मद बाबा को अता की और सन जनार्दन स्वामी भी शेख चांद बोलते के शिष्य है। जनार्दन स्वामी की शिक्षा दी इन्होंने पटने सन 1 लाख शिक्षा दी। ये वारकरी संप्रदाय के महान संत है। इनके तथाई मुझे साहित्य में तत्व की खुशबू आती है। उनके एक नाती भागवत भव और एक अल्लाह एक ईश्वर की बात और सत्य की किस्मत की बात के लिए समाज सेवा को उन्होंने अपनाया। उनके दादा भी कादरी सिलसिले के बुजुर्ग थे। शेख मोहम्मद बाबा इनके बारे में पुत्र पिताजी ग्वालियर के गौर ग्वालियर के शिष्य थे। श्री चांद बोलते कादरी सूफी संत संत शेख मोहम्मद बाबा की साहित्य योग संग्रह भवन विजय इतनी गहराई से प्रकोप की सोच है। एक ईश्वर पर जोर दिया है। उनकी मदार श्री गोदा ने उमर और खान का निजाम शाह का सरदार शाहजी भोसले ने बनवाया और सूफी को इनाम जमीन की है। जमीन की सरहद चकना में आकाश भी मौजूद है। शाहजी भोसले हमेशा सूफियों से मशवरा करते हैं और उनकी उनके दुआ की उम्मीद रखते थे। सूफी शाह शरीफ और लालूजी भोसले सुल्तान बुरहान निजाम शाह के जमाने में सूफी शाह शरीफ शरीफ के एक अहमदनगर में हुआ। हिरोला के पाटिल निजाम शाह का सरदार मालोजी राजा लाओला उन संतान थे। सूफी की शोहरत सुनकर उनके पास औलाद की तमन्ना की। अल्लाह ने सूफी की दुआ से दो बेटे अता किए। उनके नाम सूफी के नाम पर रखे शाहजी और शरीफ जी। शाहजी बोलते और शरीफ जी बोलते सूफी का दोनों आदर करते थे। सूफी के इंतकाल के बाद जाति खर्च सूफी का गुम्बद मस्जिद खानका बनवाए। दरगाह के लिए दरगाह के खर्च के लिए निजाम शाह से दो गांव इनाम मिलवाए। शिवाजी महाराज भी सूफियों से मोहब्बत किया करते थे। मोलसी के सन सूफी शाह याकूब से हर दम मशूरा किया करते थे। इनके पास जाते थे और दुआ की विनती करते थे। महाराष्ट्र में मराठी मुस्लिम सूफियों की एक नदी है शेख ये भी हिंदू सन है लेकिन हकीकत नहीं है मुकदा है इनकी मदार और गुम्बद सूफियों जैसी है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ पैर खाते हैं नाद खाते हैं। तत्व का संतों पर असर महाराष्ट्र में कई संत ऐसे है सूफियों से कहीं ना कहीं बाधिता है। दलदाबाद के संत मानसिंह प्रसाद सूफी शानूर हमीदी के साथ अपने जन्म किया करते थे। वो अपना गुरु शानूर हमीदी को मानते ऐसे दोवे उनके आज मौजूद है। निपट निरंजय महाराज जो औरंगाबाद में है वो भी सूफियों से प्रणाम थे। महाराष्ट्र में कई दरगाह और खानका का इंतजाम हिंदुओं के पास है। जैसे परवनी के गुलाब घाट दरगाह के मुजावर रेलवे पाटिल है। उस्मानाबाद के सूफी शमसुद्दीन गाजी हुसैन रहमतुल्लाह है। इनका उस समय पहला मान देशमुख पाटिल को है। इसी तरह विदर्भ और प्रदेश के कई दरगाहों पर देखा जा सकता है। पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के कई सूफियों के मुजावर गैर मुस्लिम है और यहाँ के दरगाह पर शाकाहारी कराबा कराया जाता है। सूफियों ने महाराष्ट्र में पिछली गाँव जिन्हें समाज में इज्जत दिए हक नहीं था उन्हें इस्लाम में दाखिल कर दिया। उन्हें जिन्हें हक दिया सूफियों ने
समाज के सभी स्तर पर भाईचारा सिखाया, महाराष्ट्र में सूफी और संतों ने एक साथ इंसानियत का रास्ता दिखाया, लेकिन सूफियों ने और संतों ने कोई तनाव कोई तनाजा नहीं हुआ और गंगा जमुना तहजीब को हिंदुस्तान में बढ़ावा मिलता रहा। सूफियों के कुछ शिक्षा और उनके कुछ उपदेश अखबार यहाँ पे पेश करता हूँ। सूफियों ने आध्यात्मिक मार्गों को अपनाकर ईश्वर प्राप्ति हेतु सभी अच्छे कर्म संस्कार को अपनाया। सूफी मत को बेहतरीन संस्कार का मार्ग समझा। सत्रों का मकसद है इंसान स्वयं अपने भीतर अच्छे संस्कार निर्माण करे, अपने बाह्य और भीतर को अच्छे संस्कारों में ढले। सूफियों के पास सत्रों से परिपूर्ण संस्कारों की संहिता है। सूफी से कभी हिंदू नहीं कहते, ये केवल कोई औपचारिकता नहीं है, नहीं ये तो कोई आचार, ये तो ईश्वर को हमें ऐसे संस्कारों का समुच्चय ज्ञान है। मानव सभी सेवा, सूफी ने जिस प्रकार से मानव जाति की सेवा की, सेवा हो सकती थी उन सभी पहलुओं पर सेवा की है, अपनी जिंदगी मानव के सेवा के लिए वक्फ कर दी, समर्पित कर दी। सूफी ने सही मायने में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन किया है। इंसान को शैतान के गुलामी से निकाल कर अल्लाह के गुलामी में शामिल किया। सूफी निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सच्चा मोमिन वह है जो दुश्मन के साथ भी भलाई करे और उनसे अच्छा व्यवहार करे। उपदेश, सूफी निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं किसी को बुरा कहना बेशक बुरा है, लेकिन किसी का बुरा सोचना इससे भी कहीं गुना अधिक बुरा है। सूफी से खाली में उनके सेवक ने कहा कि आप शहर में कुछ खाते हैं, रोजा रखने के पहले जो सूर्योदय से पहले जो भोजन किया जाता है कुछ खाते हैं। सूफी ने कहा मस्जिद सराय और धर्मशाला में कई लोग ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं, ऐसे स्थिति में मैं कैसे खा सकता हूँ। सूफी की नजर समाज के हर स्तर के लोगों पर होती थी। सूफी दूसरों का दुख अपना दुख समझते थे। सूफी सभी मानव जाति को अल्लाह की संतान मानते थे। जब ईश्वर सबको एक समान मानता है तो इंसान को क्या हक है कि वो भेदभाव करे। इस्लाम का ज्ञान शिक्षा किताबों में है, वो मकसद और मदद में पढ़ाया जाता है। सूफियों ने इसे खानखा में मठ में इस पर अमल करके दुनिया को दिखला दिया कि इस्लाम का सही मकसद क्या है। सूफी ने बादशाह सुल्तान और महाराजाओं के सामने खुलेआम एक ईश्वर का एक अल्लाह का ऐलान किया। सूफी ने आध्यात्मिक पवित्रता कल अंतर मन की पवित्रता को पवित्रता की शिक्षा देकर समाज को न्याय का रास्ता दिखलाया, यानी हक का रास्ता दिखलाया। सूफियों ने इंसान निर्माण करने का कार्य किया है। सूफियों के साहित्य पढ़कर समाज में परिवर्तन का इंकलाब आया है। सूफियों ने साधना शिक्र नाम स्मरण नमाज रोजा के मार्ग पर अंतरात्मा के द्वारा इस्लाम की सत्यता यानी हक को उजागर किया है। सूफियों ने इसके द्वारा ही सत्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है।